अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग है स्किन केयर पे। स्किन कॉस्मेटिक्स, स्किन के जो प्रोडक्ट हैं हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं वो है जो मेरे पास सेल के लिए आते हैं। सबसे पहले हैं जी कंजा परफ्यूम वाइटनिंग क्रीम, 30 ग्राम की है ये, चेक करें। इसका टेक्सचर सेम फेयर एंड लवली जैसा है, लेकिन इसकी प्राइस इससे बहुत कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होती है। मैं इसको इसके आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखाती हूँ, ये चेक करें, ये क्या क्या करती है। स्मूथ करती है, ग्लोइंग करती है, सपल करती है। कोटेशन है इसकी, ये एक्सटर्नल यूज ऑनली इंक्लूडेड है। डायरेक्शन है मसाज ऑन द फेस, हैंड्स एंड बॉडी, आइडियल आफ्टर शॉवरिंग और बाथरूम, चेक करें जी। ये इसके प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, ये मेरा एड्रेस लिखा हुआ है जी इनका, जिनका कंपनी वालों का है। लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है, फेयर एंड लवली की जगह पर बेस्ट यूज़ होती है। वैसे फेयर एंड लवली है मेरे पास यूज़ होती है, लेकिन उसके बाद ये बेस्ट क्रीम है। उसके बाद है जी हेम एंड डव की एंटी रिंकल क्रीम, चेक करें। ये फाइन लाइंस को, आपके रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बेस्ट है, स्किन को सूट करती है। ये देखें जी, ये इसके ऊपर प्रॉपर दिया हुआ है, किन चीज़ों को ये रिमूव करती है। इसका बार कोड जी चेक करें, इसके प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है। नेट वेट इसका 65 ग्राम है, ये देखें जी पूरा इसके ऊपर प्रोसीजर दिया हुआ है, कैसे आपने पहले क्लिंजिंग करनी है, फिर इसको फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है और उसको छोड़ देना, और फिर बाद में टैप वाटर से अगर आपको अपना सूट होता है चेहरे पर हल्का से जेल टाइप पार्टिकल्स हैं तो उनको वॉश करना है। लेकिन ये लगा के रात को सोने से पहले क्लिंजिंग करके यूज़ करते हैं। रिंकल्स के लिए हेवन डव की बेस्ट क्रीम है, ये आपके चेहरे पे जो है ना सूटनेस लाती है, चेहरे को फ्रेश रखती है। एजिंग बारी से बातें स्टार्ट होती है, एट दी एज ऑफ 30 के बाद आपको ऐसी कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते रहना चाहिए, उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद है एंटी एक्नी, ये भी हेवन डव की है। क्लीन पॉक्स बेस्ट चीज़ है चेहरे पे दाग धब्बे दानों को दूर करने के लिए, बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट्स है। उसके बाद है जी फेयरनेस क्रीम, ये चेक करें, मेड विद गॉट मिल्क 50 ग्राम, टच मी प्लीज, शाइनी फेस, फेयरनेस एंड नरिशमेंट, टोटल फेयरनेस इन 4 वीक्स पर मास फॉर्मूला। और बाकी इसके रिजल्ट्स ऐसे ही आते हैं, तो जारी सी बात है किसी चीज़ को डेली यूज़ करते हैं 4 वीक्स ऑलमोस्ट 1 मंथ यूज़ करें इसको तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी आपको। ये देखें मेड इन थाईलैंड, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बनी हुई है फेयरनेस के लिए, लोग ज़्यादा इसको प्रेफर भी करते हैं। जारी सी बात है पाकिस्तान में एक माइंड सेट है कि बाहर की जो चीज़ आती है फॉरेन कंट्रीज़ में जो बनी हुई है मैन्युफैक्चरिंग है उनके रिजल्ट पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हैं, हालांकि ऐसे है नहीं। पाकिस्तान में भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल की हैं, लेकिन बस हमारे एक माइंड सेट है, लेकिन कुछ इनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ये फेयरनेस क्रीम जो मेड इन थाईलैंड है तो बहुत कमाल की है, चेक कर इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा है। टेक्सचर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये चेक करें, क्रीम सा इसका टेक्सचर है, सिल्की सा, जैसे हमारी नाइट क्रीम्स होती है ना ऐसा बिल्कुल नहीं है, शाइनी सा इसका टेक्सचर है, ये चेक करें ऐसे वाला। और इनकी गारंटी है कि 4 वीक्स में ये आपको रिजल्ट्स देंगे, शाइनी सा, ये देखें शाइनी सा इसका टेक्सचर, ये ऐसी अब्जॉर्ब हो जाएगी स्किन के ऊपर। रात को सोने से पहले आपने अप्लाई करना है, इसको अब्जॉर्ब करना है और इसको यूज़ करना है 4 वीक्स, उसके बाद आपको रिजल्ट स्टार्ट नज़र हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक मिनट में अपना हैंड क्लीन कर लूँ, उसके बाद जो है आता है हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ जी फेयरनेस क्रीम सन प्रोटेक्ट। अब समर सीज़न है, धूप बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, गर्मी अच्छी खासी आती है, 8 मंथ का समर सीज़न होता है, उसके लिए ये फेयर एंड लवली बेस्ट है, ये चेक करें। इसमें थोड़ा सा जैसे ऑयली होता है क्योंकि जारी से पता है SPF है, 30 है, सन प्रोटेक्ट है, ग्लो विद प्रोटेक्शन, ऑयली नहीं मैं कह सकती लेकिन ड्राइनेस नहीं होती इससे। इस ये वाली फेयर एंड लवली क्रीम अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, चेहरे के लिए बेस्ट है ये जी, ये चेक करें, बहुत अच्छी चीज़ है जी। पहले ना भी जैसे टेक्सचर है लेकिन ये थोड़ा सा क्रीमी है, हल्का सा मॉइस्चराइज करती है जस्ट क्रीम को, ऑयली नहीं करती। उसके बाद है जी ये अरोमा कैवियर स्किन थेरेपी आई कॉन्टोर क्रीम, आई कॉन्टोर क्रीम है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है। इसमें छोटी सी क्रीम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये इतनी सी है, ट्यूब टाइप बनी हुई है, स्मूथ फाइन लाइन मॉइस्चराइज एंड नरिश एंटी ऑक्सीडेंट डिफेंस। जैसे मैंने आपको ये गोल्ड क्रीम का टेक्सचर दिखाया ना, सेम इसका टेक्सचर ऐसा है जो आपने आइज़ के नीचे लगानी है, ये आपकी आईज़ के नीचे फाइन लाइन्स आती है उसको रिमूव करने के लिए आइए, चेक करें। एक सेकंड मैं जूम करती हूँ इसके ऊपर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये चेक करें, ये भी वाइट ही आई थिंक ये थाईलैंड की है,
अभी यहाँ पे आने हैं, बट आई थिंक थाई ही लिखी हुई है इसके ऊपर, अप्लाई डेली बाय जेंटल मसाज मोशन क्लीन एंड ड्राई आई एरिया फॉर बेस्ट रिजल्ट, कम्बाइन द ट्रीटमेंट विद अरोमा केयर स्किन थेरेपी डे एंड नाइट क्रीम्स। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसकी डे एंड नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। ये देखे जी, मेड इन एयू अरोमा, ठीक हो गया जी, इनका नंबर दिया हुआ है। लेकिन जो लोग ये यूज कर रहे हैं उनको पता है कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी सा, लाइट सा टेक्सचर, बहुत लाइट वेट है। लगाई हो तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आंख पे आपने कुछ लगाया हुआ है। ये फाइन लाइंस को, और मुझे ऐसे लगता है जैसे डार्क सर्कल्स भी आपके रिमूव होते हैं, क्योंकि जारी से बात है आपकी स्किन को जो है स्मूथनेस करती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स है इसमें, नरिश जब आपके आईज होती है, नीचे स्किन नरिश होती है, तो वो डार्क सर्कल्स को और अपने आप ही जो है ना रिमूव करने लग जाती है। इससे डार्क सर्कल्स जो है ना आपके वो भी रिमूव होंगे। बहुत अच्छी क्रीम है, मेरे पास स्किन के लिए ये चेक करें जीजू वोल्केनो 2-in-1 क्लींजिंग एंड मड मास्क, कोरियन मड मास्क है, मेड इन कोरिया आई थिंक, मैंने चेक किया हुआ है, मेड इन आपको भी दिखा सकूं तो मैं देखती हूँ, मुझे ऐसे ही नजर आ जाएगा, अभी मुझे मिल नहीं रहा, बट आई थिंक ये मेड इन कोरिया है, मैंने चेक किया हुआ है, मैंने सेल इसकी बहुत ज्यादा की हुई है, फॉर्मुलेटेड इन कोरिया, यस यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मुलेटेड इन कोरिया, ये यहाँ पे अगर मैं जूम किया, मैंने चेक किया हुआ है, मैंने सेल इसकी बहुत ज्यादा की हुई है, फॉर्मुलेटेड इन कोरिया, यस यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मुलेटेड इन कोरिया, ये यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सके, नहीं अभी कंफ्यूज जूम नहीं हो रहा। बेस्ट मड मास्क है, ब्लैक मास्क है, अगर आपको इसको चाहिए तो क्लिनजिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी बड़ी डिमांड है, ये बड़ा सेल होता है, लेकिन ये छोटा सा बड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत आएंगे। उसके बाद है जी ये डव का बॉडी वॉश, ये चेक करें अंबर, ये चेक करें 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये मेरे पास ऑरेंज में भी आए थे, कोकम्बर है, लेकिन मेरे पास ऑरेंज वाले में भी आए थे, 500 ml के हैं ये जी, आफ्टर ओपन 12 months आप इनको यूज कर सकते हैं जी। ये जी मैं चेक करती हूँ, इनकी मेड इन यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो यूनिलीवर पाकिस्तान की नहीं, यूनिलीवर यूके है, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है कैसे यूज करने हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथर आफ्टर फर्स्ट वॉश, ये चेक करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बॉडी वॉश के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, समर सीज़न में तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। मेरे पास आए थे काफ़ी सारे, ये सेल हो गए हैं, ये इसमें जो ऑरेंज वाले थे वो ज़्यादा सेल हो गए, ऑरेंज फ्लेवर की उसकी बिल्कुल फ्रेश फ्रेगनेंस होती है, इसमें को कम्बल की फ्रेगनेंस है। ये उसके बाद जी ये देखें मास्क, फेस मास्क मोस्ट डिमांडिंग आजकल बहुत फेमस भी हैं जी, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेशियल मास्क पैक, ये चेक करें जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लैंड के हैं ये जी, मेड इन इंग्लैंड, ये अप्लाई रिलैक्स रिमूव एंड शाइन, बहुत कमाल की चीज़ है, ये मैंने यूज की है, ये चेक करें। फेस मास्क आजकल पाकिस्तान में चल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और सेल भी बहुत ज़्यादा, एक और है जी, इसके दो टाइप्स के मेरे पास हैं, आई थिंक मेरे पास दो और भी आए थे, वोल्केनो और फ्रेश एक और था, उसका नेम मुझे भूल गया, ये भी ऐसे ही है, देखें इनकी टाइमिंग दी हुई, इनका यूज़ दिया हुआ है, गोल्ड एनो इजी फिशर मास्क, 12 months ओपन के बाद इनका डेट होती है, इंग्लैंड यूके के हैं, मेड इन कोरिया के हैं, चेक करें, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन ऐसे ग्लोई और शाइनी होने लग जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ है, और बहुत आपकी जो है ना इकोनॉमिकली है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ते से हैं, 500 से लेस की रेंज में है ये, देखें ये प्रोडक्ट जो है जो मेरे पास स्किन के लिए आते हैं, फेस स्किन के लिए, उसके अलावा अभी मेरे पास फेस के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, सॉप्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्रीम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे यू फेयर एंड लवली के सॉप्स आते हैं इंडोनेशिया के, पिंक और येलो, बहुत कमाल की चीज़ें हैं, उनके रिजल्ट सॉप्स के बहुत ज़्यादा हाई है, ये सारी चीज़ें जो फॉरेन कंट्रीज़ की होती हैं, इसलिए इनके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा और लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं जो मैं सेल करती हूँ, मैंने तो आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर करूँ।
ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।